प्यारी सात संगत जियो, सर्वप्रथम आप सभी को राधा स्वामी। प्यारी सात संगत जियो, आज हम मेरा मास्टर सीरीज में अध्याय 28 शुरू करने जा रहे हैं, जो है हुजूर साहिब जी का सुरवीर व्यक्तित्व। राधा स्वामी। प्यारी सात संगत जियो, जैसे कि पहले कई बार उल्लेख किया गया है, हुजूर महाराज जी छोटी उम्र से ही बहुत ही बलशाली और ताकतवर थे। 6 साल की कच्ची उम्र से ही की गई कठोर मेहनत का उनके शारीरिक बल को विकसित करने में एक बड़ा योगदान रहा। घर में पिता की छत्र छाया न होने के कारण उनके नन्हे कंधों पर समय से पहले ही बहुत बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी गई थी। जिंदगी की बहुसंख्यक कठिनाइयों से गुजरने की वजह से वे धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होते चले गए। आज के समय में जब बच्चे पहली कक्षा में प्रवेश करते हैं, तब हुजूर महाराज जी को अपनी माताजी के साथ जीवन व्यापन में सहायक बनने के लिए उनके साथ खेतों में हाथ बटाना पड़ा। प्यारी सात संगत जियो, जब हुजूर साहेब पहली कक्षा में पढ़ते थे, तब वे स्कूल से आकर सीधे अकेले ही 3 किलोमीटर दूर स्थित अपने खेतों में जाया करते थे, जहां उनकी माताजी पहले से ही काम में लगी होती थी। खेतों में वे अपनी माताजी के साथ मिलकर पशुओं के चारे के लिए कभी घास तो कभी ज्वार काटने में मदद करते और फिर उसे गठड़ी में बांधकर जितना उनसे उठाया जा सकता था अपने सिर पर उठाकर घर ले आते थे। प्यारी सात संगत जियो, घर आकर वे अपने हाथों से चारा काटने वाली मशीन का चक्का घुमाकर चारा काटते थे। इसके अलावा वे घर के अन्य कामों में भी मदद करते थे, जैसे कि दादी के साथ आटा पीसना, चक्की पीसना, कुएं से जल भरकर लाना, कृषि उत्पादों जैसे खल, बीज, खाद आदि की बोरियां दुकान से लाकर घर और फिर खेतों तक पहुंचाना और खेतों में रात को पहरा देना आदि। ये सभी उदाहरण उनके जीवन के अत्यंत कठिन संघर्षों में से हैं, जिनका उन्होंने अपनी नन्ही उम्र में ही सामना किया। प्यारी सात संगत जियो, इन सभी कामों के बाद रात में वे लालटेन या दिए की रोशनी में अपना स्कूल का कार्य करते और पढ़ाई के पाठों को याद करते थे। इन रोज़मर्रा की कठिनाइयों ने उनकी पढ़ाई के प्रति समर्पण में कोई भी बाधा नहीं डाली। वास्तव में वे शैक्षिक दृष्टिकोण से अपने पूरे गांव में सबसे उत्कृष्ट छात्र थे। हुजूर साहिब न केवल स्कूल में बल्कि कॉलेज में भी सबसे कुशल खिलाड़ियों में से एक थे, इसलिए वे खेल के अभ्यास और व्यायाम में भी अपना अधिक समय समर्पित करते थे। प्यारी सात संगत जियो, जीवन की चुनौतियों, कठिन दैनिक दिनचर्या और एथलेटिक्स की प्रति उनकी अधिक जज्बे ने उन्हें एक 6 फीट लंबे, हट्टे कट्टे, शक्तिशाली युवा में परिवर्तित किया और उनके व्यक्तित्व को और भी अधिक साहसी, निर्भीक और दिलेर बनाया। प्यारी सात संगत जियो, उनका व्यक्तित्व इतना रोबदार था कि जब भी कोई अनजान व्यक्ति उनके पास आता तो वे उनके मजबूत और आत्मविश्वास से भरे व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हो जाता कि मानसिक रूप से उनके सामने समर्पण की भावना व्यक्त करने लगता था। हुजूर साहब ने कभी अपने बल पर गर्व नहीं किया और ना ही इसका कभी गलत फायदा उठाया। जब भी उन्होंने अपने बल का प्रयोग किया, वो हमेशा किसी की भलाई के लिए ही किया गया। गुरु की शरण में आने से पहले भी हुजूर साहेब गरीब और असहाय लोगों की सहायता के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ते थे। क्योंकि वे खुद गरीबी की स्थितियों से गुजरे थे, इसलिए उन्होंने अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ गरीब व्यक्तियों को ताकतवर लोगों के शोषण से बचाने के लिए ही किया। जब वे गुरु की शरण में आए तो उन्होंने स्वयं को मर्यादाओं में बांध लिया और अपने बल का उपयोग केवल आश्रम की व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और बड़े महाराज जी की सुरक्षा के लिए किया। चाहे कोई उन पर किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत हमला करे या उन्हें उकसाने की कोशिश करे, आश्रम में वे कभी भी किसी पर अपने बल का प्रयोग नहीं करते थे। हालांकि यदि सत्संग या बड़े महाराज जी को हानि पहुंचाने की कोशिश करता तो वे बिना देरी किए कार्रवाई करते थे। ऐसी परिस्थितियों में वे तत्परता से समस्या का समाधान करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते थे, ताकि शांति और व्यवस्था को पुनः स्थापित किया जा सके। बड़े महाराज जी को यह भरोसा था कि उनका मास्टर कभी बिना किसी कारण या अपने निजी इच्छा शक्ति से किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे।
एक बार की बात है, बड़े महाराज जी दादरी आश्रम में बिना किसी सत्संग कार्यक्रम की सूचना के अचानक निरीक्षण करने पहुँचे। वहाँ लगभग 20-30 सेवादार और कुछ आसपास के ग्रामीण मौजूद थे जो सेवा के कार्य में लगे हुए थे। बड़े महाराज जी की गाड़ी को आश्रम में आते देखकर एक दो व्यक्ति जो आश्रम के बाहर से गुजर रहे थे वे भी अंदर जाकर बड़े महाराज जी को देखने के लिए पहुँचे। बड़े महाराज जी ने आश्रम का निरीक्षण करने के बाद इस छोटी सी संगत के सामने एक कुर्सी पर आसीन होकर सत्संग उपदेश देना शुरू किया। उस समय हुजूर साहेब गाड़ी को पार्किंग में लगाने में व्यस्त थे, इसलिए वे सत्संग शुरू होने के थोड़ी देर बाद संगत में सबसे पीछे आकर चुपचाप बैठ गए और बड़े महाराज जी का सत्संग सुनने लगे। हुजूर साहेब के पास ही वे दो आदमी बैठे थे जो थोड़ी देर पहले आश्रम के बाहर टहल रहे थे। बड़े महाराज जी का सत्संग शुरू किए अभी 5 मिनट ही बीते थे कि उनमें से एक आदमी ने अचानक जोर से बोल दिया, यह तो सामान्य बात है। बड़े महाराज जी एक क्षण के लिए ठहर गए और फिर उस व्यक्ति की बात को अनदेखा करते हुए अपने सत्संग को जारी रखा। इस अवरोध के प्रयास से हुजूर साहब को गहरा गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से पर तुरंत नियंत्रण कर लिया ताकि सत्संग में दोबारा कोई व्यवधान न आए। कुछ ही देर बाद वह व्यक्ति फिर से बड़े महाराज जी के सत्संग के बीच में एक बार और ऊंची आवाज़ में बोल उठा और टिप्पणी की, ये सब बातें सभी को पहले से ही पता होती हैं, इस सत्संग में नया क्या है। प्यारी साथ संगत जियो, बस फिर क्या था। बड़े महाराज जी के अनादर को देखकर हुजूर साहेब जी गुस्से में आग बबूला हो उठे। वे इस व्यक्ति की मनसा को समझ गए कि यह बस एक तमाशगीर है और संतों के प्रति आदर तो छोड़ो, उस व्यक्ति के पास मूल शिष्टाचार का भी अभाव था। वह तो खामखां सत्संग को व्यर्थ में विघ्नित करने के लिए आया था। हुजूर साहेब ने चुपचाप उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा और उसे वहीं से अपने पीछे पीछे संगत से थोड़ी दूर ले गए। बड़े महाराज जी और संगत की नज़र से थोड़ा दूर होते ही हुजूर साहेब ने उसका हाथ जोर से झटका और उसके गाल पर एक जोर से थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ खाते ही वह व्यक्ति नीचे ज़मीन पर गिर गया। हुजूर साहेब गुस्से में बोले, तेरी इतनी हिम्मत कि तू महाराज जी को टोकेगा? अगर तुझे सारी बातों का पहले से ही ज्ञान है तो आश्रम में क्या कर रहा है, दूसरों को सत्संग सुनने दे। प्यारी साथ संगत जियो, थप्पड़ खाकर वह व्यक्ति तुरंत उठा और बिना कुछ देखे वहाँ से उल्टे पैर भाग गया। डर से कि कहीं उसे फिर से सजा न मिल जाए, वह व्यक्ति इतनी तेज़ी से भागा कि आश्रम की 8 फुट ऊंची दीवार को एक ही छलांग में पार कर आश्रम से बाहर फरार हो गया। एक सच्चे गुरुमुख की विशिष्ट पहचान यही है कि वह अपने अपमान को तो सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अपने गुरु के प्रति छोटी से छोटी अशिष्टता को भी सहन नहीं कर पाते। हुजूर साहेब में यह गुरुमुखता का गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान था। यह विशेषता उन्होंने किसी पुस्तक या शास्त्र से नहीं बल्कि स्वयं के अनुभव और अंतर्दृष्टि से प्राप्त की थी। इसी तरह एक बार आश्रम में भी एक घटना घटी जिसमें हुजूर साहेब ने अपनी सूझबूझ और निर्भयता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। प्यारी साथ संगत जियो, जैसा कि आप जानते हैं, हुजूर साहेब अन्य सेवादारों की तुलना में आश्रम में काफ़ी देर से शरणागत हुए थे, परंतु उन्होंने अपनी अनूठी योग्यता और समर्पण से बड़े महाराज जी के हृदय में एक विशेष स्थान बहुत ही शीघ्रता से अर्जित कर लिया था। कुछ सेवादार जो पिछले काफ़ी सालों से बड़े महाराज जी की सेवा में थे, वे हुजूर साहब की बढ़ती नज़दीकियों को पचा नहीं पा रहे थे। हुजूर साहब को बड़े महाराज जी से जो अपार प्यार और महत्व मिल रहा था, उसे देखकर कुछ लोगों के लिए उनके प्रति ईर्ष्या का भाव असहनीय हो गया था। प्यारी साथ संगत जियो, इसी ईर्ष्या के चलते उन्होंने आश्रम में हुजूर साहेब के खिलाफ विभिन्न तरह की राजनीति और साजिशें रचना शुरू कर दी। उनका एकमात्र लक्ष्य यह था कि कैसे हुजूर साहेब को बड़े महाराज जी की नज़रों में गिराया जा सके, ताकि उन्हें उनसे दूर करके उनकी सभी सेवाएं छीन ली जाएं। परंतु वे इस बात को समझने में विफल रहे कि संत प्रेम के आशिक होते हैं, उनको अच्छे शासक की नहीं अच्छे सेवक की खोज होती है। वे अमीरी से नहीं फकीरी से दिल लगाते हैं और उन्हें भरे नहीं
बल्कि खाली पात्र भाते हैं। प्यारी साध संगत जियो, खैर आश्रम में रहने वाले उन चंद नकारात्मक विचारधारा वाले लोगों ने कुछ गांव वालों से मिलकर हुजूर साहब को संगत के सामने बदनाम करने के लिए एक कुशल योजना बनाई। प्यारी साध संगत जियो, उनका इरादा था कि जब बड़े महाराज जी संगत के सामने होंगे तो वे सभी मिलकर हुजूर साहब को घेर लेंगे। उनकी योजना थी कि वे हुजूर महाराज जी से संबंधित निजी विवादों को उजागर करते हुए शोर मचाएंगे और उन्हें उत्तेजित करने की कोशिश करेंगे। उनका मानना था कि अगर हुजूर साहब अचानक इतने लोगों के आक्रोश का सामना करते हैं तो शायद वे अपना संयम खो देंगे और हाथापाई के लिए मजबूर हो जाएंगे। इससे आश्रम में एक बड़ा विवाद उत्पन्न होगा और वे इस अशांति का सारा दोष हुजूर साहब के तीव्र स्वभाव पर मढ़ देंगे। उनका विचार था कि यदि हुजूर साहब संगत के सामने नीचा दिखाई दें तो फिर वे बड़े महाराज जी को बहला फुसला कर हुजूर साहब जी के विरुद्ध उनके कान भर सकेंगे। प्यारी साध संगत जियो, वे सभी एक दिन सुबह सुबह इसी गलत इरादे के साथ आश्रम में एक साथ उस समय बड़े महाराज जी संगत के सामने आए जब वे अपने सिंहासन पर विराजमान थे और हुजूर साहेब हाल में संगत के पीछे की पंक्ति में बैठे हुए थे। अचानक हुजूर साहेब ने देखा कि 6 से 7 लोगों का एक गुट आश्रम के मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहा है। इस गुट में कुछ आश्रम के निवासी शामिल थे जो हुजूर साहेब से मतभेद रखते थे और कुछ ग्रामीण भी थे जिनकी हाल में ही हुजूर साहेब के साथ कुछ कहा सुनी हुई थी। वे सभी बड़े महाराज जी की ओर बढ़ रहे थे, जैसा कि हुजूर महाराज जी आज भी बिना बात किए केवल लोगों के चेहरे और उनकी चाल चलन को देखकर उनकी भावनाओं को अपनी गहरी अंतर्दृष्टि से समझ लेते हैं। उस समय भी उन्हें तुरंत आभास हो गया कि वह समूह किसी गलत मनसूबे के साथ आया है। उन्हें द्वार पर आते देखकर हुजूर साहेब ने संगत के बीच से उठकर सीधे उस समूह की ओर कदम बढ़ा दिए। जब हॉल और प्रवेश द्वार के मध्य उस समूह और हुजूर साहेब की नज़रें मिली तो उन्होंने देखा कि उसमें से कुछ लोग काफ़ी आक्रोश में थे। उनका शक विश्वास में बदल गया और वे बिना कुछ कहे उस समूह को पार करके आश्रम के मुख्य द्वार पर आ खड़े हुए। आश्रम के बाहर एक कदम रखकर हुजूर साहेब ने मुख्य प्रवेश द्वार के बीच में खड़े होकर उस समूह की हरकतों पर ध्यानपूर्वक नज़र रखना शुरू कर दिया। वह समूह बड़े महाराज जी के पास पहुंचा और हुजूर साहेब जी के खिलाफ धीमे स्वर में कुछ बातें कहने लगा। उस समूह से बातचीत करने के बाद बड़े महाराज जी ने ऊंची आवाज़ में पुकारा, मास्टर एक बार यहाँ आना। हुजूर साहेब ने द्वार से ही जवाब दिया, बस आया जी। लेकिन वे वहीं द्वार पर खड़े रहे और चुपचाप उस समूह को बाहर आने का इशारा किया। हुजूर साहेब ने निश्चय किया था कि वे आश्रम के अंदर नहीं जाएंगे और उन सभी का बाहर बुलाकर वहीं निपटारा करेंगे। हुजूर साहेब के इस आक्रामक इशारे को देखकर उस समूह के कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए और उन्होंने तुरंत समझ लिया कि मास्टर उन्हें बाहर टकराव के लिए बुला रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह पता था कि आश्रम के बाहर मास्टर किसी भी प्रकार की शर्म या मर्यादा का पालन नहीं करेंगे और उनसे बाहर मुठभेड़ का मतलब एक शेर से भिड़ने जैसा होगा। जो लोग हुजूर साहब को फंसाने आए थे अब वे खुद फंसे हुए महसूस कर रहे थे। एक तरफ हुजूर साहब आश्रम में अंदर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे और दूसरी तरफ वे मुख्य द्वार पर खुद खड़े हो गए, जिससे बिना उनसे मिले आश्रम से निकलना संभव नहीं था। हुजूर साहब दूर से ही उन्हें ऐसी गुस्से भरी नज़रों से देख रहे थे कि सभी को स्पष्ट हो गया कि बाहर निकलते ही मास्टर उन पर आक्रमण करेंगे। बड़े महाराज जी अपने सिंहासन से बाहर खड़े हुए हुजूर साहब को नहीं देख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने दोबारा हुजूर साहब जी को पुकारा, लेकिन कोई उत्तर न मिलने पर उन्होंने उस समूह को बताया, लगता है मास्टर बाहर किसी काम में व्यस्त है, जब वह वापस आएगा तब मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा। प्यारी साध संगत जियो, वो घबराई हुई टोली जिसने हुजूर साहब को आश्रम के मुख्य द्वार पर अड़िग खड़े देखा, उन्होंने स्थिति की नाजुकता को समझते हुए मौन साधना ही उचित समझा।
उन्होंने बड़े महाराज जी से कहा, कोई बात नहीं, हम बाद में अकेले में उनसे बात कर लेंगे। यह कहकर वे सभी चुपचाप संगत में जाकर बैठ गए और सत्संग सुनने लगे। इस दौरान हुजूर साहेब ने अपना डेरा गेट पर ही जमा लिया और पूरे सत्संग के समय वहीं खड़े रहे। उनका रोबिला अंदाज और तीखी नज़रें उस टोली पर टिकी रही, जैसे वे उनके हर हरकत पर नज़र रख रहे हों। जब भी उस समूह का कोई सदस्य गलती से हुजूर साहिब जी की ओर देखता, तो वह तुरंत मुड़कर बड़े महाराज जी की ओर ध्यान देने लगता, जो उस समय सत्संग कर रहे थे। प्यारी साध संगत जियो, सभी के मन में यह भय था कि कहीं हुजूर साहिब उन्हें पहचान न लें, इसलिए वे संगत की आड़ में चुपचाप बैठे रहे। और जैसे ही बड़े महाराज जी का सत्संग समाप्त हुआ, वे सभी लोग जो पहले एक समूह में एकत्रित हुए थे, अब विभिन्न दशाओं में बिखर गए और उन्होंने लंगर की ओर रुख किया। प्यारी साध संगत जियो, जहाँ उन्होंने प्रसाद लेने के बहाने कुछ और समय गुजारा, प्रसाद ग्रहण करने के बाद उन्होंने हुजूर साहब से मिले बिना ही सुरक्षित तरीके से आश्रम से बाहर निकलने की योजना बनाई। वे एक एक करके अलग अलग स्थानों से और विभिन्न समयों पर संगत की भीड़ में छुपकर आश्रम से बाहर निकलने में सफल हो गए। प्यारी साध संगत जियो, उन सब के जाने के बाद जब हुजूर साहेब बड़े महाराज जी के दर्शन के लिए गए, तो बड़े महाराज जी ने उनसे पूछा, अरे मास्टर, तू तो बड़ा ही अलग तरह का आदमी निकला, मैं तो तुझे बुला रहा था और तू हाँ करके भी वापस नहीं आया। तुझे पता है, तुझे से अकेले से लड़ने के लिए 6 से 7 आदमी आए थे। हुजूर साहेब ने जवाब दिया, जी मुझे पहले ही पता चल गया था कि वे यहाँ आश्रम का माहौल ख़राब करने आए हैं। वे सोचते थे कि आपके सामने मैं उनके काबू में आ जाऊंगा, पर मैंने भी ठान ली थी कि अगर उन्होंने लड़ने का मन ही बना लिया है, तो क्यों न बाहर ही बढ़िया तरीके से सारा मामला सुलटा लिया जाए, ताकि उन पर कोई बहाना न बचे कि आश्रम के चलते उन्होंने मुझे जाने दिया। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी यह सुनकर चिंतावश में बोले, अरे आश्रम में तू होता तो लड़ाई झगड़े के बीच बचाव भी हो सकता था, तू अकेला बाहर चला गया और वे सारे लोग तुझ पर एक साथ टूट पड़ते तो कौन बचाता तुझे। हुजूर साहेब ने बड़ी दृढ़ता से जवाब दिया, आपके होते हुए मैं कभी अकेला कैसे पढ़ सकता हूँ, रही उन लोगों की बात, तो मैं आज भी बाहर खड़ा होकर जोर से ज़मीन में अपना पैर पटक देता तो वे उसी शोर से डर के भाग जाते और मुड़कर वापस भी नहीं देखते, तो मुझ पर हमला करने का साहस कहाँ से लाएंगे। और अगर वाकई उनमें मेरे से सामना करने का साहस होता, तो वे यूं इकट्ठा होकर आश्रम में ना आते, उन्हें मुझसे लड़ना होता तो वे मुझे कहीं भी आते जाते घेर सकते थे, चाहे वह बाहर गांव में हो या स्कूल के रास्ते में हो या फिर घर के रास्ते में हो। उनका इस तरह का योजनाबद्ध तरीके से आश्रम आने का तो बस एक ही मकसद था कि मेरी शर्म की बंदिश का फ़ायदा उठाकर मुझ पर हावी होना। बड़े महाराज जी उनका तर्क समझ गए और उनकी बात मानी कि वो सही कह रहे हैं। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर महाराज जी का अदम्य साहस और निडरता सबके लिए जग जाहिर थी। बड़े महाराज जी भी इस बात से अवगत थे कि हुजूर साहेब किसी भी चुनौती का स्वागत न केवल शांतचित्त से करते हैं, बल्कि उसका सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनकी इस अद्वितीय वीरता को बड़े महाराज जी अपने सत्संगों में एक जीवंत चित्रण के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा करते थे, मेरा मास्टर वीरों में एक रणधीर है, मेरा मास्टर शेरों का शेर है। राधा स्वामी।